क्या धारावी में ढहेगा मस्जिद का अवैध हिस्सा? क्या मस्जिद के अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर? क्या शिमला जैसा होगा मुंबई का हाल? इधर बीएमसी उधर प्रदर्शनकारी, अब क्या होगा धारावी का हाल? नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। धारावी के महबूबे सुभानिया मस्जिद के अंदर अवैध हिस्से को तोड़ने को लेकर हाल ही में तनाव फैल गया। इस कार्रवाई के दौरान बीएमसी की टीम ने अवैध निर्माण को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और भीड़ ने हंगामा करते हुए सड़कों पर बैठकर आंदोलन करना शुरू कर दिया, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई है। आपको बताएं कि बीएमसी की टीम अवैध हिस्से को तोड़ने पहुंची थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कार्रवाई शुरू की, लोगों ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया और सड़क पर जाकर बैठ गए। भीड़ के द्वारा नगर पालिका की गाड़ियां सहित अन्य वाहनों में तोड़फोड़ की गई, इससे स्थिति बिगड़ी है और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी संख्या बल को तैनात कर दिया है ताकि और स्थिति ना बिगड़ पाए। पुलिस अधिकारी बीएमसी के अधिकारियों के साथ मिलकर मुस्लिम समुदाय के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और उनका उद्देश्य इस मुद्दे को शांति से सुलझाने का बना हुआ है और स्थानीय लोगों के साथ संवाद स्थापित करना है। और पुलिस ने ये कहा है कि वो ऐसी स्थिति पर करीब नजर बनाए हुए हैं और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, हिंसा ना हो, उसको रोकने के लिए पुलिस बल तैनात है और तैयार। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि ये कार्रवाई उनके धार्मिक स्थल के प्रति अन्याय है और वो इसे एक तरफा निर्णय मानते हैं, इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाने का अधिकार रखते हैं। उनका ये भी मानना है कि प्रशासन को पहले उनसे बातचीत करनी चाहिए थी और उसके बाद कोई भी कार्रवाई करनी चाहिए थी। दरअसल धारावी में स्थित अभी भी तनावपूर्ण जो है वो स्थिति है और यदि प्रशासन और स्थानीय समुदाय के बीच संवाद नहीं होता है तो ये स्थिति और भी बिगड़ सकती है। स्थानीय नेता और समुदाय के सदस्य अपनी बात रखने के लिए आगे आ रहे हैं और इससे ये स्पष्ट होता है कि वे उस मुद्दे पर कोई समाधान चाहते हैं। इस प्रकार धारावी के अंदर महबूबे सुभानिया मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई एक बार फिर से स्थानीय समुदाय और प्रशासन के बीच तनाव को बढ़ा देती है। आगे की कार्रवाई इस बात पर निर्भर करेगी कि प्रशासन किस प्रकार से स्थानीय लोगों की चिंताओं का समाधान करता है, उनकी बात को किस तरह से सुनता है और जमीनी स्तर पर जो प्रशासन है वो स्थानीय लोगों को किस तरह से मनाता है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।